गुड मॉर्निंग, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मैं कर रही हूँ सफाई पूरे आंगन की और मौसम आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों के बाद धूप निकली है। ऐसे तो गर्मी मुझे इतनी पसंद नहीं है, बट वो कहते हैं ना हर चीज़ ज़रूरी होती है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि धूप निकली तो मैंने सारा काम स्टार्ट किया। बहुत दिनों से तूफान चल रहा था, बारिश थी, किच किच हो चुकी है, हर जगह होच पोच हुए, तो मैंने गाड़ी साइड को लगाई, वो सामने टीम के नीचे, और मैंने कपड़े कपड़े उठा के रखे और मैंने सोचा मैं ना पूरे आंगन को साफ़ करूँगी। अंदर मैंने झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, बस किचन में पोछा लगाने को बचा हुआ है। तो रोटी मम्मी बना के गई थी सुबह, बस मुझे ये वाला ही काम करना है। तो मैंने पहले आलस डाला कि करूँ ना करूँ, मुझे लगा फिर से बारिश आएगी, फिर से ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने सोचा नहीं प्रियंका कर ले, बहुत दिनों से तूने वर्कआउट भी नहीं करा, तो जब मुझे लगता है ना मैं मोटी हो गई हूँ, वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, तो फिर मेरे को होता है कि यार थोड़ी सी घर की सफाई कर लो, काम भी हो जाएगा, मम्मी खुश भी हो जाएगी, खुश हो जाएगी, और मेरे को भी तसल्ली रहती है कि जब मैं वर्कआउट करती हूँ ना, वॉक करती हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है। जब मुझे पता लगता है ना मेरा वेट गेन हो गया, तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मेरी तरह कौन कौन इस तरह अपने मायके में आके सफाई करता है? मैं तो हर जगह सफाई करती हूँ, कहीं भी जाऊँ, किसी के घर छोड़ना हो जब हम रेंट पे रहते हैं, या फिर लेना हो घर, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी सफाइयों में गुजर जाएगी। मॉर्निंग, मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और मैं क्या कर रही हूँ, वैसे हमारा घर बहुत बड़ा है, तो मैं थोड़े थोड़े पोर्शन में, जैसे कि झाड़ू लगा के ना ऐसे थोड़े थोड़े पोर्शन में कूड़ा इकट्ठा कर देती हूँ। एक तो हवा चल रही है, सारा कूड़ा उड़ जाएगा, जितना मर्जी कूड़ा आगे को लेके जाओ, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में ना, मतलब जैसे ये वाला पोर्शन है, तो मैं यहाँ का इतना सारा कूड़ा इकट्ठा करके यहाँ पे रख दूँगी, फिर उसको उठा देंगे। ऐसे पूरे ढेरियाँ ढेरियाँ लगा रही हूँ। ऐसा आइडिया शुरू शुरू में जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, है ना, तो मम्मी हमको बताती होती थी, क्योंकि इतने बड़े घर में लगता नहीं था, तब तो फर्श भी नहीं था, सिंपल वाला हमारा घर था, तो तब हम ऐसे लगाया करते थे। ऐसे करने से ना कूड़ा आपका उड़ता नहीं है, जैसे ये है ना, अब मैं यहाँ पे इसको ढेर लगा दूंगी, फिर मैं इसको उठा लूंगी साफ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाली जगह थी साफ़ करने के लिए। सबसे पहले मैंने अपना दिमाग बनाया कि मुझे सफाई करनी है यहाँ की, फिर मैंने यहाँ पे बड़ा वाला मैट पड़ा हुआ था उसको उठा के रखा पीछे वाली साइड खेत में। आज मैंने सोचा कि जितना भी मिट्टी जो भी कुछ हो, इवन कल मैंने हेयर स्पा करा था, मेहंदी लगाई थी, अच्छे से फेस को रेडी किया था। जब ना ऐसे पूरे झाड़ू वाड़ू लगाते हैं ना शुरू से ना, हम लोग ना मुँह ढक के, मम्मी बोलते मुँह ढक के करा करो क्योंकि मिट्टी पड़ती है सिर पर, मुँह पर मिट्टी पड़ती है ना, तो मैं मुझे आलस आ जाता है कि मुँह क्यों ढकना है। कभी कभी ढक लेती थी शुरू शुरू में, अब मेरे को बिल्कुल नहीं। शुरू शुरू में कभी कभी तो हम बिल्कुल सिर पे दुपट्टा लेके तब हम झाड़ू लगाते होते थे, है ना, तो आज तो मैंने बोला मुझे इतना आलस आ रहा है मैं फटाफट से काम ख़त्म कर दूँ। जब तक मैं काम ख़त्म नहीं करती ना सफाई वाला, मुझे उलझन होती रहती है, सोचती रहती हूँ कब करूँगी ये करूँगी वो करूँगी। एक तो मुझे पता है कि मैंने यहाँ से चले जाना है, तो तब भी मेरा दिल नहीं करता। जब मुझे पता हो ना कि मुझे इस जगह पर रहना, तब तो मैं रोज़ की रोज़ करूँ तो सही रहता है। पर आज मैंने अपना मन बनाया, तो मैंने बोला, पहले मैंने सोचा था उधर वाला पोर्शन आज करूँगी, ये कल करूँगी, वो परसों करूँगी, फिर मैंने सोचा प्रियंका आज की आज सब ख़त्म कर दे, कल परसों जो सोचती रहेगी फिर नहीं होगा। आज एक बार जितना सिर मेरा गंदा होना है, जितनी मिट्टी मेरे ऊपर पड़नी है पड़ जाए, लेकिन आज मैं सब सफाई करके उठूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो वॉशिंग मशीन को यहाँ पर रखा हो, ये पाइप जो है ना मुझे लगता है ख़राब है, तो मैं इसको हटा रही हूँ और फटाफट से देखो अब कितना तूफान आया था, ये पूरा अंदर ना इकट्ठा हो गया उसके अंदर कूड़ा, और मम्मी खुश हो जाएगी जब शाम को देखेगी वाह सारी तरफ सफाई करी हुई है। बट अगर मम्मी के आने से पहले तूफान आ गया या बारिश आ गई, तो फिर से वही औच पोच हो जाएगी, क्योंकि फिर तो कुछ नहीं दिखता, पूरा आंगन खुला है, मिट्टी मिट्टी हो जाती है। बट घर के अंदर जो रूम है ना वो साफ़ रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे शीशा लगा है, जाली लगी है, लेकिन बाहर वाला सब कुछ पूरा गंदा हो जाता है। और कल मम्मी को छुट्टी है, तो मम्मी ना छुट्टी वाले दिन बहाने लगाते हैं कि बहाने, मतलब क्या, मम्मी को भी उलझन होती है, मम्मी को ना बाहर का सारा काम करना होता है, ये साफ़ करना है, चूल्हा साफ़ करना है, खेत साफ़ करना है, ये करना है वो करना है, तो मैंने पहले ही मम्मी का सारा काम ख़त्म कर दिया। मम्मी को थोड़ा रेस्ट रहे, थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए मैंने मम्मी के कपड़े भी प्रेस करवा के रख दिए थे। अब एक दिन करके मैं, मतलब जो मेरे से जितना हो पाए उतना मैं कर देती हूँ, बाकी सब लोग जो प्रीति करती है वो अपने तरीके से कर लेती है, दीपू अपने तरीके से कर लेते हैं, मतलब हर किसी का अपना अपना काम है।
हाँ पोछा थोड़ा सा ना, मतलब मैट जब यहाँ से उठाते हैं ना तो थोड़ा बहुत कूड़ा रह जाता है, तो यहाँ पे मैंने दो बार झाड़ू लगा दिया और पोछा लगाऊं। पोछा आज अच्छे से धुला है मोटर के पानी के साथ। मुझे लगता है ना पोछे को ना अभी जैसे मैंने लगा के उठे तो इसको ना सर्फ में रखना पड़ेगा, फिर ये पूरा साफ हो जाएगा। एक्चुअली हमारे घर में ना, हमारा घर जैसे बड़ा है तो जितना भी आप साफ करोगे ना थोड़ी देर में मिट्टी आ जाती है, क्योंकि खेत है सामने, रूम में नहीं आएगी, रूम अगर बंद है, लेकिन बाहर जो भी है ना, जैसे हम बाहर भी लगाते हैं पोछे तो फिर वो उसी टाइम ना तुरंत मिट्टी से वो गंदा हो जाता है, तो इस वजह से पोछा हमारा थोड़ा काला हो गया, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि अपने आप को साफ करती है पोछा साफ नहीं करती। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर मैंने मोटर के पानी से 3-4 बार पोछे को एकदम दबा दबा कर साफ किया। खाना खुने का मुझे बनाने का शौक बिल्कुल नहीं है, मेरे को साफ सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ना। और खाने का तो लोग मेरा मजाक बनाते रहते हैं। कल मैंने करेले दोबारा ऐसे ठीक से बनाए थे, बहुत टेस्टी बने सच्ची बताऊँ आपको, फिर भी लोग बोल रहे हैं कच्चे हैं, बट कच्चे नहीं थे यार, सच्ची बहुत टेस्टी लगे, मम्मी को भी बहुत अच्छे लगे। बाकी पता नहीं जिसने बोलना होता है ना वो बोलते ही रहता है, पर हाँ मैं इस बात से मुकरती नहीं हूँ कि मुझे नहीं आता इतना अच्छे से खाना बनाना, पर जो भी मैं बनाती हूँ मुझे अच्छा लगता है, इनको अच्छा लगता है, तो बस फिर बाकी साफ सफाई में तो मैं, मुझे ऐसा लगता है, नंबर वन हूँ। भाई मोटर और थोड़ा सा ये जो पोर्शन है ये साफ कर दिया, ये देखो पूरा हमारा जो घर है वो साफ हो गया। अब हर ये पूरा साफ किया, वो साफ, वो उधर वाला साफ किया, गाड़ी को उधर वाला साफ किया, ये पूरा साफ किया मैंने, अब रह गया वो उधर वाला पोर्शन साफ करने के लिए, तो वो मैं कल करूँगी क्योंकि आज मेरी बैंड बच चुकी है। लेकिन ना ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई वो है साफ सफाई करनी करनी है, इसमें मेरा खुद का फायदा है, कि फायदा ये है कि वर्कआउट हो, मेरा वर्कआउट हो जाता है एंड अच्छे से आज स्वेटिंग हो गई तो मज़ा आ गया, इतने दिन से वर्कआउट ही नहीं हुआ था। अब मैं इसको रखूँगी ऐसे डिप करके पोछे को इसमें, ताकि थोड़ा पोछा हमारा साफ हो जाए, मुझे बड़ा मज़ा आता है पोछा लगाने में। ये खुशी हो रही है कि हमारा ये वाला चूल्हे वाला पोर्शन क्लीन हो गया। अगर आज तूफान आया फिर से या बारिश आई तो फिर से वही हाल हो जाएगा इसका, बट मैं प्रे कर रही हूँ भगवान जी आज बारिश ना आए, आज तो इसको साफ किया है तो हम लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। पर्दा भी दीपू ने यहाँ पे लगाया हुआ है, कितना मस्त लग रहा है, देखो पर्दा लगाओ एंड इधर बैठ जाओ ऐसे करके, वाह कितना सुंदर लग रहा है। मतलब काम कुम खत्म किया तो इसको ऐसे पर्दा बंद कर दो इसको, बट जब चूल्हा जल रहा होता तब भी बंद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो कितनी सारा क्रोशिंग के लिए है ना, टूट गई, इसको फेंकना है। ये इतना अच्छा लगता है ब्राउन ब्रेड करेले, काश लस्सी का गिलास होता तो मज़ा आ जाता। बैठ के मैं खाऊं आराम से, मुझे ना अंदर बैठना नहीं अच्छा लगता, मुझे इधर को बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है, घर के खाना खाओ मज़ा आ जाता है, ठंडी ठंडी सी हवा। अरे ना ठीक हो गया, 12:15 एग्जैक्ट टाइम है आज इसका, मतलब 2-3 दिन पहले दीपू ने ठीक कर दिया, उससे पहले पता नहीं सेल वीक था क्या था, बट अभी ठीक हो गया तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लगी हुई घड़ी ना मतलब टाइम बताती है, तो अंदर देखने जाना पड़ता है और फ़ोन से व्लॉग बनाते हैं तो पता ही नहीं चलता कितना टाइम हुआ है। इस फटाफट से खाऊं यार, मेरे को लस्सी पीने का बड़ा दिल कर रहा है, और ये जो सामने लहसुन पड़ा ना उसके बाद मुझे लहसुन को छांटना है, ये जो पड़ा है। फिर मैं सोच रही हूँ दीपू को बोलूँगी कि दही के पैकेट लेके आना, 3-4 कड़ी बनाएंगे चूल्हे के ऊपर। आ गई है बारिश, वो देखो आप ऊपर, और मैं खाना खाने के बाद फिर से लग गई हूँ काम पे, वो वाला मुझे ना पोर्शन क्लीन करना है, और मैं सोच रही हूँ उधर वाला भी ना साफ़ कर दो मेरे से बोला नहीं जा रहा खाना, मैंने 4 ब्रेड खाने थे, मैंने 6 ब्रेड खा लिए घी लगा के, ये मुझे थोड़ा सा क्लीन करना है एरिया, यहीं से क्लीन करके यहीं से इसका कूड़ा उठा लूँगी, रियल मैंने उसमें डाल के रख दिए, और वो वाला मुझे क्लीन करना है। पर मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है कि अगर बारिश आ रही है, तूफान आ गया, तो फिर मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सरा मेरे को झाड़ू नहीं मिल रहा, रखा तो मैंने इधर ही था।
देखो ना भिगोई को 2-3 घंटे हो गए, अभी भी देखो ये सफ़ेद नहीं हुआ। आप लोग बोलते हो इसको धोते नहीं, इसको धोते नहीं, हम लोग इसको इतना साफ करते हैं फिर भी ये ऐसे ही रहता है। मुझे लगता है इसको चेंज करना पड़ेगा, या फिर इसको निकाल के जो दूसरी वाली वॉशिंग मशीन है उससे धोना पड़ेगा। फिर मैं इसको बस थोड़ा सा मैंने ऐसे हिला के इसको फिर से इधर ही रखना है। यार जैसे ना हम नीचे फर्श पे यहाँ पे तो नहीं लगाते, वो जो है ना सामने वो वाला हमारा फर्श तो वहाँ पे लगाते हैं। ऐसे अभी हमने साफ़ सफाई करी है ना तो इधर फिर से मिट्टी आ जाती है, तो फिर ना ऐसे इस वजह से ना ये पूरा हो जाता है। पता नहीं किसने फेंक दिया ये कागज, कहीं से भी उड़ के मिट्टी धूल आ जाती है तुरंत पूरा वो गंदा हो जाता है। सो कितना सुंदर लग रहा है हमारा घर आज साफ सफाई करने के बाद। रखे हैं डस्टबिन रखे हैं सुखाने के लिए, मैं बोलूँ डस्टबिन। धूप में ना मेरी बैंड बज गई आज, हालत मेरी ख़राब हो गई इतने दिन के बाद इतना सारा काम करके। फिर मेरा ये फ़ायदा है कि वर्कआउट हो गया मेरा। मैंने ना खारिश यहाँ पे करी माथे पे तो ऐसे मेरे रेडेड हो गए, मेरे कान के पीछे भी पूरा रेडेड हो गया था, यहाँ पे भी रेडेड, इस कान के पीछे, इस कान के पीछे। और करेले खाने के 45-40 मिनट के बाद मैं नारियल पानी पीने जा रही हूँ, क्योंकि दही नहीं था और लस्सी भी नहीं थी, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि करेला लगता नहीं है वैसे, करेले गर्म होते हैं तो उसको थोड़ा सा उसकी लाइक बॉडी अच्छी रहे, ठीक रहे, इसलिए कोकोनट वाटर पीती हूँ। और इसके आधे पौने घंटे के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं चूल्हे पे कढ़ी बनाऊँ, चावल बनाऊँ और चाय बनाऊँ। लोग ना बोल रहे थे कि कोकोनट पानी ना निकाल के आप रख लो तो फ्रेश रहता है, तो निकाल के तो मैं नहीं रखती क्योंकि मुझे आइडिया अच्छा है, अब अगर ज़्यादा सारे ले आओ तो उनको फटाफट से निकाल के रख लो। क्योंकि ना 5-6 नारियल जैसे मैं जब जाती हूँ मार्केट तो 6, 5, 4 या फिर 8 ऐसे में ले आती हूँ इकट्ठे, तो फिर कई बार तो अभी लेती हूँ दिन में 2 बार, कई बार मैं भूल जाती हूँ पीना, तो फिर उसके बाद ना उस दिन जैसे स्मेल आ रही थी नारियल में से, तो मैंने मतलब पता नहीं लोग बोल रहे कि अगर स्मेल आए तो ख़राब होता है, पर मैंने जीएस भाई ऐसे लेती हूँ ना, वो बोलते कि नारियल पानी कभी भी ख़राब नहीं होता। फिर से मैंने अपने बालों को धोया है और कंडीशनर है नहीं था मेरे पास, तो फिर मैंने जो मेरे पास वो हेयर स्पा था ना वही हल्का सा लगाया, उसके बाद फिर मैंने कपड़े धोए, फिर उसके बाद मैंने शावर लिया, तब तक ये अच्छे से रच गया। कल भी मैंने हेयर स्पा किया था, आज भी मैंने हेयर स्पा किया है। आज मैंने बाल इसलिए धो लिए, एक तो मेहंदी लगी हुई थी कल की, तो मेरे को मेहंदी की स्मेल आ रही थी, अच्छी लगती है स्मेल बट मुझे आ रही थी, मुझे अजीब सा लगा। मैंने अपने मुंह पे लगाया है लोशन जो कि चमक रहा है सफ़ेद सफ़ेद। आज मुझे कोई मेकअप नहीं करना है, आज मुझे स्किन को ऐसे ही रखना है। और मैं क्या करती हूँ, मेरा सारा सामान चला गया है तो मेरे पास कपड़े उतने नहीं है पहनने के लिए, इसलिए मैंने आज ये पहना है। और जो मैंने अभी टी शर्ट खोली उसको मैंने धुल दिया नहाते नहाते ही, बस मोटर चला के उसको कचल लेना है पानी से, फिर वह सूख जाएगी 3-4 घंटे में क्योंकि आज धूप अच्छी है। उसके बाद फिर मैं शाम को या थोड़ी देर में उसको पहन लूँगी। ये पहनने के लिए तो अच्छा है बट है बहुत एक ब्रीदेबल है, बट लाइक होता है ना चूल्हे पर काम करना है तो फिर इसके साथ थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। मेरा रेड ड्रेस थी, मेरा लोअर, ये मेरी टी शर्ट अच्छे से 2-3 बार धुल के बस इसको पानी से अभी निकालना है मोटर चला के। हो गया है 2:45 डाल दिए मैंने यहाँ पे सूखने के लिए, टाइम तो काफ़ी लगेगा बट तो ठीक है, इसको तो बहुत ही टाइम लगेगा, इसका पानी अभी निचोड़ रहा है पर ठीक है, गर्मियाँ है। ये रात को मम्मी कह रहे ऐसा नहीं लग रहा बरसात आ गई है, में एक्चुअल कलर नज़र आता है, ऐसे शाया में नहीं पता चलता, अच्छी वाली धूप निकली हो ना तब पता चलता है कि बालों ने कौन सा कलर लिया है। और लोशन मेरा अच्छे से पूरे मुंह पे एब्जॉर्ब हो चुका है, कोई मेकअप नहीं करेंगे आज, स्किन बहुत बहुत अच्छे से ब्रीद करेगी। बस बनाने के लिए रख दी है कढ़ी, तेल डाल दिया है कढ़ाई में और दूसरी साइड बन रही है चाय, ऊपर हमारा चल रहा है एग्जॉस्ट फैन एंड कढ़ी का सामान मैंने कर लिया है रेडी। घोल के रखा है 2 दही का और ये 1 दही मैंने ऐसे घोल के रखा है क्योंकि मुझे खट्टी वाली कढ़ी चाहिए। हो गए साफ, चाय बना दी, चावल रख दी गैस पे, वैसे सिंक साफ करना है तो अच्छे से काढ़ना है कढ़ी का, मतलब कड़ कड़ के बनने वाली
तीन पैकेट दही की कढ़ी मैंने इस तरह से बनाई है। तड़का लगाने के बाद ना मैंने इधर को ट्रांसफ़र कर दिया कुकर में, फिर सही रहती है। और मैं कढ़ी थोड़ी ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ, अदरवाइज़ दो पैकेट की बनाती हूँ क्योंकि फिर सबको ना पूरी हो जाती है। अदरवाइज़ मम्मी भी बोलती कुछ नहीं मिला खाने को, थोड़ी सी तो मेरे लिए रख लेती चावल को, बस 5 मिनट में सीटी आ जाएगी। ये है मेरी चाय, और साथ के साथ काम किया, साथ के साथ काउंटर टॉप साफ़ कर दिया। ये है हमारा सारा, मतलब वो दही के पैकेट, आलू के छिलके वगैरह, इसको फेंकना है। थोड़ा सा हमारा लहसुन जो है वो बच गया। बर्तन सारे साफ हो गए, सिंक मैंने साफ़ कर दिया, इसको मुझे धोना है बाहर रख के। और इस तरह से मैंने अपने अकॉर्डिंग जो मेरे को लगता है साफ़ सफाई मैंने कर दी। मैं इधर ही बैठी हुई थी, इधर बैठ के मैंने व्लॉग एडिट किया, इधर बैठ के मैंने सारा सामान काटा छांटा, और कूड़े का एक भी तिनका मैंने गिरने नहीं दिया। आज कहीं भी आपको कूड़े का एक भी चीज़ नज़र नहीं आ सकती, मेरे को ऐसे लगता है। और जब हम बर्तन साफ़ करते हैं तो ये पता नहीं ऐसे हो जाता है, फिर मुझे फिर बाहर आके पानी की एक बाल्टी, जो मतलब जो उसका पानी होता है ना आरओ का, वो फेंकनी पड़ती है, फिर साफ़ होता है। पता नहीं इसको ठीक करवाना होगा, ये इधर को जाना चाहिए, इधर को हो जाता है। अब हमारा शाम का काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। रोटी मम्मी जो बना के गए थे किसी ने खाई नहीं है, 15 से 18 रोटी पड़ी होंगी जो मैंने ऊपर से गिनी है, शायद 20 ही होंगी। तो चावल भी बन गया, रोटी भी बन गई, कढ़ी भी बन गई। मम्मी का फ़ोन मुझे आया, मम्मी आपको कल छुट्टी है? ऐसे मुझे पता है कि मम्मी को छुट्टी है। मम्मी कह रही है यस, मुझे फ़ोन आया क्यों पूछ रही है छुट्टी, मैं कैसे पूछ रही हूँ। मैंने कहा मम्मी की सरप्राइज है ना, देखो मैंने सारा काम कर दिया। तो फिर मम्मी कह रहे ऐसा करना ना, भिंडी बना लेना। मैंने कहा है भिंडी बना लेना, अब तो मैंने कढ़ी बना ली इतने, मैंने कहा भिंडी नहीं खानी, कल करेले खाए थे इतने तेल वाले, तो आज कढ़ी खाएंगे। इसी के साथ इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। मैं जा रही हूँ खेत से धनिया लेने के लिए, एंड मेरे जो काम है वह सब हो चुके हैं ख़त्म। मुझे बाल अपने स्ट्रेट करने हैं, एंड चूल्हे पे मेरा दिल तो था कढ़ी बनाने का, बढ़िया इतनी सारी धूप निकल गई है ना, फिर मेरे को ऐसा लगा कि बहुत गर्मी होच-पोच हो जा रही है, इसलिए फिर मैंने चूल्हा को एंड करने का टाइम आता। मुझे बहुत सारी बातें याद आती है, बहुत सारी बातें। मुझे लगता है मुझे ये भी बोलना था, मुझे ये भी बोलना था, मुझे ये भी बोलना था अपने व्लॉग में, फिर मैं व्लॉग एंड ही नहीं कर पाती। अभी इस व्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ, इसको मैं एडिट करके आज डालूँ, नहीं तो मेरा व्लॉग रात को जाता है, तो मेरा रूटीन जैसे ना वो गड़बड़ा गया है। कितनी सुंदर लग रही है ना, और मुझे ना ऐसे बाहर बैठना बहुत अच्छा लगता है, अंदर बंद कुंडी लगा के बैठूँ मुझे बहुत इरिटेशन होती है, ऐसे मुझे बहुत मस्त अच्छा लगता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टाटा बाय बाय।